स्वागत है आपका गोगा बिल लेक पे। हम अभी गोगा बिल लेक के पास मौजूद हैं, जिसे 10 दिन पहले सरकार ने कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया है। और ये चमत्कार इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ पे 143 एकड़ जमीन देकर इसे एक कम्युनिटी रिजर्व बनाने की पहल की। उसके बाद सरकार सामने इको टूरिज्म बनाने की बात की, यहाँ पे अपनी एक आचार संहिता लाने की बात की, और भी बहुत सारे वायदे सरकार ने किए। ले आया था तो देखो के चल गया था, कहता था कि गोगा झील बनेगा। अब अभी तो यहाँ 10 साल से 8 साल से कुछ नहीं, कोई नहीं आया, कोई ध्रो ने कुछ नहीं बना। तो गार्ड है, उनको ड्यूटी में रखा है, रात में तो ड्यूटी करेगा नहीं, उनका दिन का ड्यूटी है। रात में अगर 2-4-5 रहता गार्ड तो साथ मिलके कर सकता है। अकेला है बेचारा, वो दिन में घूम लेता है, शाम तक घूम के अपना चला जाता है। पावड़ा क्षेत्र है तो कम से 10 गो गार्ड होना चाहिए। हम अभी गोगा बिल झील के दूसरे छोर पे मौजूद हैं, जहाँ पे आप ये मेरे पीछे ईटा भट्टी देख सकते हैं। यहाँ पे बनी ईटे भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कम्युनिटी रिजर्व के आसपास ईटा भट्टी और इस तरीके की चीजें नहीं बनाई जाती हैं। अंदाजा कब से है ये ईटा भट्टी? 3 महीने से शुरू हो गया। गोगा बिल लेक है, इसका पानी इस पानी से जाके मिलता है जी? मिलता है। ठंड में नवंबर से फरवरी महीने तक विदेशी पक्षी यहाँ प्रवास के लिए पहुँचते हैं। झील में मछली मारने का काम होने के कारण यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या दिन ब दिन घटती ही जा रही है। साथ ही हमें गांव वालों से बात करके ये भी पता चला कि बाहरी लोग आकर यहाँ पर शिकार करते हैं, जिससे पक्षियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। तो आइए जानते हैं कि कम्युनिटी रिजर्व कहते किसे हैं। एक ऐसा एरिया जो किसी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई रिजर्व फॉरेस्ट के बीच कनेक्टर या माइग्रेशन कॉरिडोर का काम करता हो, उसे कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कम्युनिटी रिजर्व और ये कंजर्वेशन रिजर्व में क्या अंतर है। अगर ये एरिया सिर्फ सरकार की ज़मीन पर बना है तो ये कहलाएगा कंजर्वेशन रिजर्व, और अगर जो लोग वहाँ रह रहे हैं वहाँ पर इसमें उनकी भी ज़मीन है तो इसे कहेंगे कम्युनिटी रिजर्व। अब ये माइग्रेशन कॉरिडोर किसे कहते हैं? तो जो एक प्रोटेक्टेड एरिया है उससे दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में पक्षी विचरण यानी माइग्रेट करते हैं, तो उसे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है वो होती है माइग्रेशन कॉरिडोर।